बिल्कुल नहीं। अनबोरिंग अकेडमी के साथ मैं शेष राम साहू सर, आज मैं अनुपात और समानुपात के बारे में आपको समझाऊंगा और ये अनुपात समानुपात बहुत इजीली से समझ पाएंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए हम अनुपात समानुपात समझते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में जो बम्पर भर्ती आई है, परीक्षा डेट भी निश्चित हो चुका है और इतने कम समय में हम बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे, आइए अनबोरिंग अकेडमी के साथ मैं शेष राम साहू सर। यहाँ पे एक शब्द है अनुपात, अनुपात, अनुपात को इंग्लिश में कहते हैं रेशियो। पहले हम ये समझ लें कि अनुपात रेशियो है। रेशियो जो होता है अनुपात, अनुपात जब अभी लेते हैं तो अनुपात में हम दो चीज़ों में लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक बच्चे की हाइट 150 सेंटीमीटर है, दूसरे की हाइट 140 सेंटीमीटर है, तो 140 और 50 उसके हाइट का रेशियो, एक का रेशियो 140 है और दूसरे का रेशियो 150 है, तो 150 और 140 के बीच में अनुपात, ये हो गया। उसके बाद में भार, मान लीजिए दो बच्चे हैं उनके बीच का भार हमें पता करना है। मान लीजिए एक बालक आपका 30 किलोग्राम है, दूसरा बालक है 35 किलोग्राम, तो इस तरह से आपने क्या किया, 30:35, तो यानी एक का 30 किलोग्राम दूसरे का 35 किलोग्राम, तो दोनों बालक के बीच का अनुपात क्या है, 30:35। मान लीजिए दो क्लास की बात आ जाए, एक कक्षा में मान लीजिए कोई कक्षा है, एक कक्षा में 60 बच्चे हैं, दूसरे कक्षा में कितने हैं, 40 हैं। पूछा गया कि इन दोनों क्लास के बीच में जो बच्चे हैं उनके बीच बच्चों का अनुपात क्या होगा, तो तुरंत आप क्या करेंगे, 60:40, और ये रेशियो होगा यानी 60/40 और ये 20 × 40, 20 × 60 = 3:2, 3:2 यानी दोनों कक्षा में जो बच्चों की संख्या का अनुपात है वो 3:2 है। दूसरा सवाल, एक क्लास में क्या है लड़कों की संख्या, मान लीजिए एक क्लास में लड़के 40 हैं और लड़कियां कितनी है, लड़कियां मान लीजिए 30 हैं, तो लड़कियां 30 हैं, अब उनके बीच में अनुपात क्या होगा, तो 40:30 है, तो यानी 40:30 40/30 तुरंत 0 से 0 काटेंगे, ये 4:3 आपका 3 हो गया। ये बालक और बालिकाओं का अनुपात, कक्षा में बालक बालिकाओं के बीच का अनुपात क्या हो गया, 3:4, इस तरह से अनुपात। अब मान लीजिए कोई कोई वृत्त है उसकी परिधि का अनुपात हो जाएगा, एक कोई हाइट की बात करें कि मतलब कोई मकान है इसकी ऊंचाई इतनी इतनी ऊंचाई से पेड़ की में आ सकता है तुलना दो चीज की, या मान लीजिए एक पेन है और एक कॉपी है, तो एक पेन मान लीजिए आपका 10 रुपए का है और कॉपी आपकी 20 रुपए की है, तो कॉपी और पेन के दाम में जो अनुपात है वो 10:20 है, तो यहां से 0 से 0 का 10/20 0 0 काट देंगे, 1:2, तो दोनों बीच के अनुपात कितना आएगा, 1:2, तो मींस दो क्लास में लड़का लड़कियों के बीच का अनुपात, उनके भार का अनुपात, या मान लीजिए किसी के पैसे की बात हो, किसी की सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये है और एक की सैलरी है 12,000, तो दो व्यक्तियों के जो तनख्वाह है वेतन पाते हैं उनके बीच का अनुपात क्या होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इस राज्य में कितनी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, और दूसरे राज्य की कंपैरिजन कर सकते हैं, एक राज्य में कितने कर्मचारी हैं तो दूसरे राज्य में कितने कर्मचारी हैं, यहाँ पे विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो दूसरे राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, इस तरह से हम दो राज्यों के बीच में दो व्यक्तियों के बीच में हम क्या करते हैं, अनुपात को पता कर लगाते हैं दो चीज़ों पर। ठीक, दूसरा बिंदु है समानुपात। क्या है समानुपात, अनुपात को तो हम समझ लिए कि अनुपात क्या होता है, अब हम समझेंगे क्या समानुपात, समधन अनुपात, समधन अनुपात, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो समधन अनुपात,
सन माने बराबर, अनुपात तो पहले ही पढ़ चुके हैं आप, अनुपात क्या है, तो यानी यह हुआ कि इसके अनुपात जो है वो क्या है, बराबर है। अब समानुपात की बात, समानुपात जहां पे अनुपात में हमें दो गिनती मिलती थी, समानुपात में चार मिलेगी, यानी 10:20 बराबर। दस रेशियो 20। अब ये आप इस तरह प्रोपोर्शन लगा देंगे समानुपात में, फिर क्या हो जाएगा, 10 × 20 और 20 × 40। ध्यान दीजिएगा इस तरह का चार आ गया, 10:20, ये एक अनुपात आपका पहले ये था और ये आपका दूसरा अनुपात ये है, और समानुपात है होना चाहिए, मतलब कि क्या ये दोनों अनुपात बराबर है, तो यहां पे ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ टोटल कितने होंगे, चार अंक होंगे। अब चार अंक में ये दोनों अंक क्या है, मध्य का है, ये क्या है, मध्य का अंक है, और दूसरा क्या है, ये बाह्य का अंक है, यानी बाह्य है, ये क्या है, ये बाह्य अंक, ये अंक ये अंदर है और ये बाहर है। अब एक आपका मध्यानुपाती और ये हो गया आपका बाह्यानुपात, तो इस तरह से आपका आप यहां पे देखिए, ये मध्य का अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई करें 20 के, तो 20 और 20 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20×4 अगर बाय के अनुपात का गुणा करेंगे तो 10×40 बराबर कितना हो गया, ये 400। अब आपके को एक इसमें समझ में आना चाहिए कि यहां पे जो मध्य के अनुपात हैं इनको मल्टीप्लाई करने पर और इनकी बाय के अनुपात बराबर है तो वह समानुपात के रूप में लिखा होगा, ठीक, यानी दोनों के 20 का जो अनुपात है वो बाह्य अनुपात के बराबर होगा। अगर अनुपात के सवाल आप बना रहे हैं तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा अपने मन से, 3:5 समानुपात, जितने देर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो 3 से किया तो 3×9 होगा, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, 3×5 होगा, यानी 3×9 और 5×15। अब ये जो इनके बीच अनुपात है ये क्या है, समानुपात है, जो 3:5 में वैल्यू है वही 9:15 का है, यानी 3 और 15 का जो वैल्यू है वही 9 और 15 की, जो 3 और 5 का वही 15 तो इसका है। अब यहां पे क्या करेंगे, मध्य अनुपाती आपका ये हुआ और बाह्य अनुपाती आपका ये हुआ। अब 9×45 हुआ, 15×45 हुआ, मध्य के दोनों अनुपात को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों बाय के अनुपात को मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों क्या आते हैं, उत्तर सेम आते हैं, समानुपात हो गया, यानी समानुपात। अब एक चीज और ध्यान देना है इसमें कि मान लीजिए चार है, इस तरह से पूछ लिया जा सकता है कि मान लीजिए यहां पर कुछ नहीं होता, यहां पर कि चौथा अनुपात क्या होगा, तो चौथा अनुपात आपने x मान लिया, तो x मान लिया यानी मतलब क्या हुआ कि ये बाय है, मतलब इन दोनों का 5×3 मध्य वाला अनुपात और ये बट्टा 3 हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×5 = 15 आ गया, 3×5 = 15 आ गया। मींस ये हुआ कि यहां पे दोनों अनुपात चारों में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, आपको पूछना पड़ेगा। मान लीजिए कोई अनुपात ये है, मान लीजिए 3:5 है और आपसे पूछ लिया जाए किसका वर्गानुपात क्या होगा, तो वर्गानुपात मतलब कि 3 का वर्ग / 5 का वर्ग और इनका अनुपात 3×9 × 5 = 25, यानी 3:5 का 3×5 का वर्गानुपात होगा 9×25। वर्गमूलानुपात, तो मूलानुपात में मतलब कि इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये दिया रहेगा तो ये निकालना रहेगा, ये वर्गमूलानुपात हो जाएगा। घनानुपात, तो घन मान लीजिए 3:5 और 3:5 का घनानुपात, तो घन पर मतलब 3×9 = 27, 3×3 = 5, मतलब 5×3 = 3, तो 3×9 = 27, 3×5 = 125, तो 3:5 का
घना अनुपात कितना हो गया 27 रेशियो 125, मतलब 27 अनुपात 125। दो बिंदी रखेंगे, दो अंकों के बीच में कोई गिनती रख देंगे 3:5, तो यह अनुपात कहलाएगा। या हमने मान लीजिए 3:5 लिखा, अगर अनुपात हमने लिख दिया 8:15 जो भी हो ऐसे, तो यहां पे अगर हम एक साथ चार बिंदी रख देते हैं तो इसे हम समानुपात कहते हैं। यह हमारा हो गया समानुपात। क्या हो गया? समानुपात। और ये दो बिंदी रखेंगे तो अनुपात हो गया, अगर एक साथ चार बिंदी रखेंगे तो ये समानुपात लिखा है चिन्ह में। जैसे ये आपका धन लिखा है वैसे आपका ये समानुपात लिखा है और ये आपका अनुपात लिखा है। इसी से आधारित संबंधित सवाल आपसे पूछे जाएंगे, बहुत इजी सवाल होते हैं। आइए सवालों को सॉल्व करें। सवाल नंबर पहला है, पहले समझिए ध्यान से कि 10x+5 = 42x+8 = 125 = 512 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, इतना बराबर इतना, यानी समानुपात से संबंधित सवाल ये है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तुरंत आप लिखिए क्या 10x+5 और बटा हो जाएगा 42x और प्लस ये हो जाएगा 8/125/512 आपने ऐसे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद क्या करेंगे, यहां कॉमन ले लेंगे 5, तो 5 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x और प्लस 1 हो जाएगा बटा, यहां पे कॉमन लेंगे कितना, दूसरे में भी कॉमन होगा, ये 42 है तो 42 में 2 कॉमन हो जाएगा, अगर 2 यहां कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 21 और प्लस 21x+4 और बराबर क्या हो गया, ये आपका हो गया 125/512 ऐसे लिखा है। अब ध्यान देना है आपको कि ये 5 इससे कट जाएगा तो 5 × 2 = 10 और 5×5 = 25, ये 25 आया और इसको काटेंगे तो 2×2 = 4 हो जाएगा और 2×2 = 4 एक बढ़ेगा, 2×5 = 10, 2×6 = 12, 256 आया। अब 2x, तो x का मान ज्ञात करना है आपको, क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसी गुणा कर दीजिए, तो इसको इससे गुणा करेंगे, यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 256, तो 2×6 = 12 और 2×5 = 10 = 11 2×2 = 4 = 5, 512x आया और प्लस जब इसको इससे गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 256 हुआ, बराबर यह होगा 25 को इससे गुणा करेंगे तो 25 से करने में 25×5 हुआ और 25×2 = 50 और 2×52 हो गया और ये 52x और प्लस 25×4 क्या हो जाएगा 100। ठीक, अब ध्यान रखिएगा ये 525 है, इसको इधर ले उसको उधर, 256 माइनस ये 100 हो जाएगा, जब ये ट्रांसफर इधर होगा ये 100 तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर ये हो जाएगा 525x माइनस ये वाला जब उस पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा 512x। इस तरह से यहां कितना आएगा, ये हो जाएगा 56 बराबर और ये आप हटाएंगे इसको तो ये आपका 156 हुआ और इसको हटाएंगे तो ये यहां पे तो 5 में से 2 गया 3 और ये आपका 13x कितना आया, 13x आया। अब 13×13 और 13×13 13×2 = 26 तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी आप जोड़ा उड़ा भाग है सिंपल सा, इस तरह से x की वैल्यू कितनी आई, 12, यानी ऑप्शन क्या सही है, सी सही है।
बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा सा आपने इसको कर दिया, फिर यहाँ कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद काट दिया, काट करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कैची गुणा करने के बाद इस तरह से आप इसको पछांतर करके आप इसको साफ कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ध्यान देना है, 2x प्लस 3 रेशियो 5x प्लस 5 कामा 3:4 का तिर गुणात्मक अनुपात है तो इतना का मान होगा, इतने का त्रिगुणात्मक अनुपात है, इतना इतने का तिर गुणात्मक अनुपात है तो इतने का मान होगा, तिर गुणात्मक, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका हुआ कि 2x प्लस आपका 3 रेशियो, ये हो गया 5x प्लस 4, और इसका रेशियो कितना दिया है 3:4। अब ये 3 गुणात्मक हमें पूछ रहा है, तो 3 अनुपात गुणात्मक मतलब कि यह 2x प्लस 3 और बटा हो जाएगा 5x प्लस 4 और बराबर होगा 3/4 और 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3/5x प्लस 4 बराबर 3 × 9 = 27 और 4 × 16 = 64, यानी 4:64 हो गया, 4:64 हो गया। इस तरह से अब ये सवाल हो गया, अब इसका आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है इसको आप चाहें तो ऊपर लिख सकते हैं, इसको आप नीचे लिख सकते हैं, यानी आप इसको ले लिख सकते हैं कि 5x प्लस 4/2x प्लस 3 बराबर, ये भी पलट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 64/27, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इसका आप आपको लिखना है योगात्मक अनुपात, योगात्मक जो अनुपात होगा, यानी इसमें एक बार जोड़ देंगे योगात्मक और एक बार उसमें घटा देंगे, यानी ये गिनती आप इसको लिखेंगे 5x प्लस 4/5x प्लस 4, इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद इसमें एक बार 2x प्लस 3 एक बार जोड़ दिया, अगले में आपने क्या कर दिया 2x प्लस 3 एक बार हमने क्या कर दिया घटा दिया, बराबर 64 नीचे लिखा, 64 में एक बार 27 को जोड़ दिया और फिर 64 में एक बार 27 को घटा दिया। ये हमारा सिस्टम समझना है, बहुत जरूरी है कि एक बार हमने 5x प्लस 4/2x प्लस 3 लिख दिया हमने, अब यहाँ पे इसी बड़ी वाली गिनती को दोनों ऊपर नीचे लिख दिया, फिर नीचे वाले को एक बार इसमें जोड़ दिया एक बार इसमें घटा दिया, यहाँ पे अभी ये 64 में एक बार इसको जोड़ दिया है और एक बार 64 में इसको 27 को घटा दिया है, तो एक बार जोड़ दिया, अब इसी को साफ कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5x और ये 2x, तो 5 और 2 हो जाएगा ये आपका 7x प्लस और ये हो जाएगा 4 और 3 ये 7 हो जाएगा बटा ये 5 में और भी घटाएंगे इसको 2 तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस यह हो जाएगा आपका 1 और बराबर यह हो जाएगा 7×4=1 और 7×4=1 6 और 2 = 8 और 1 हो जाएगा 9 और बटा कितना हो जाएगा ये 14 में से 7 गया 7 हो जाएगा और यहां बचेगा 5, 5 में से 2 गया ये 3 बचेगा 37 कितना आया 37। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कॉमन ले लेंगे तो ये आगे स्टेप में बनेगा क्या कि यानी 7×x+1 हो जाएगा बटा ये 3x और प्लस 1 हो गया और बराबर ये हो गया 91/37 7×7 = 13 × 7 = 91। अब 13 से 91 हुआ, अब क्या बचा x प्लस 3
रेशियो 3x+1, अब x+3 बटा इतना, यानी इतना इनका रेशियो कितना आया, ये आपका आया 13:37। और 13:37 जहां लिखा हो वहीं पे तुरंत आप टिक लगा दीजिए, कुछ भी नहीं था, खाली समझना था। इसमें क्या हुआ मैं एक बार पुनः समझा दूं उसको, आपने इतना रेशियो इतना बराबर इतना लिख दिया, फिर बड़ी गिनती को ऊपर लिख दिया, जब यहां पे ऊपर करेंगे यहां पे नीचे किया तो यहां पर भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर इसी बड़ी वाली गिनती को दो बार लिख दिया नीचे ऊपर, नीचे वाली गिनती में एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, फिर ऊपर वाली बड़ी गिनती लिख करके बड़ी गिनती में एक बार 27 को जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और इसी दोनों घटाने उसमें करने के बाद जब यहाँ पे इसको 5x जोड़ेंगे तो 7x+7 हुआ बटा इतना बराबर 13 बटा इतना, फिर यहाँ 7 कॉमन ले लेंगे तो 7 से 13 को काट देंगे, 13:37 आपकी तुरंत उत्तर आ जाएगा। सवाल कुछ घुमा के पूछाता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या है कि 3 तथा 5 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए, बहुत आसान सवाल है। तृतीय समानुपात माना हमने, तृतीय अनुपात कितना है x, तुरंत मान लीजिए x है, अब तृतीय अनुपात हमने x मान लिया तो x माना मतलब क्या, तृतीय मतलब तीसरा, यानी 3:5 समानुपात 5 × x, यानी ये जो आपका तृतीय अनुपात पूछे तो यानी मतलब लास्ट वाली गिनती को आपने क्या मान लिया x, और ये 5 को मध्य वाली गिनती को रिपीट कर देंगे, ये रटना पड़ेगा आपको दिमाग में बैठा लीजिए इसको, यानी मध्य वाली गिनती को यानी 5 उसको रिपीट कर दिया और तृतीय अनुपात में तृतीय अनुपात समानुपात क्या हो जाएगा x होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए बस उत्तर आ जाएगा आपका, यानी ये क्या हो जाएगा 3/5 बराबर क्या हो गया 5/x हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3:5 तो ये आपका बस कुछ नहीं था इसमें 3:5 इतना, अब तुरंत आप क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर क्या हो गया 25, x बराबर क्या हो जाएगा 25/3, और 25/3 आंसर हो जाएगा खत्म। ठीक, इस तरह से अगला देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2, 3 और 5 का चौथा समानुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात में लास्ट वाली गिनती को आपने x मान लिया और 5 को एक दूसरी गिनती जो थी उसको रिपीट कर दिया था, यह ध्यान रखिएगा हमेशा करना पड़ेगा आपको। यहां पे 2, 3 और 5 चौथा का अनुपात ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सवाल है, क्या अनुपात है कि 2, 3 और 5 का चौथा अनुपात क्या होगा, तो 2:3 समानुपात 5 समानुपात आपने चौथा मान लिया कितना x, क्या मान लिया x, और जब आपने चौथा x मान लिया तो आपका सवाल क्या हो जाएगा बिल्कुल इजी हो गया, आप इसी को सॉल्व कर लेंगे उत्तर तुरंत आ गया। अब उत्तर रखा ही है, क्या उत्तर रखा है, पात ये मध्य वाली गिनती बटा इतना, तो मध्य वाली गिनती कितना है पात ये 15/2 कहीं उत्तर आ रहा होगा, लिख दीजिए बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, यानी मध्य वाली गिनती बटा पहली गिनती, यानी इन दोनों का गुड़े पात्याय 15/2, कुछ नहीं देखना इसमें, बिल्कुल आप ऐसे सवाल पूछे जाएंगे और देखिए कितना कठिन लग रहा है, 5 त्याय मध्य वाली गिनती पात्याय 15/ पहली गिनती, तुरंत आ गया उत्तर, कुछ मत ज्यादा दिमाग लगाइए। चलिए इस सवाल को देखिए, अगला सवाल है कि फ्रिज और टीवी के कीमत का अनुपात 5:3 है, यदि फ्रिज की कीमत टीवी से इतना अधिक है तो फ्रिज की कीमत क्या होगी। अब देखिए फ्रिज और टीवी, फ्रिज कीमत ज्यादा है और टीवी की कीमत कम है, यदि फ्रिज की कीमत टीवी की से इतना अधिक है तो इसमें क्या होगा कि आपका 5-3 = क्या है 2, क्या है 2 है, और इसी 2 की वैल्यू
क्या है, इसी दो की वैल्यू जो आपका होगा, इसी की दो की वैल्यू कितना है, ये आपका 5500 है। कितना है, इस दो की वैल्यू यानी दो बराबर दो यूनिट बराबर इसका दाम कितना दिया है 5500। तो दो की वैल्यू यानी दो यूनिट का मान कितना है, 55 है, दो यूनिट इतना अधिक है तो यानी दो पांच में से दो घटा देंगे फिर जो इतनी कीमत का अनुपात इतना है तो उनके अनुपातों का अंतर ही इतने जितना अधिक होगा वही बराबर होगा उसके। तो 5 - 3 = 2, दो यूनिट का दाम कितना है 55 है। तो क्या पूछ रहा है, फ्रिज की कीमत, अब फ्रिज का अनुपात कितना है 5 अनुपात है, तो दो यूनिट का दाम कितना है, दो यूनिट का दाम आपका 5500 है, तो 5 यूनिट का दाम पता दो, 5 यूनिट फ्रिज मतलब पहला ये फ्रिज है और इसका अनुपात कितना है 5 है, तो दो यूनिट का दाम 5 है, तो दो यूनिट तो 5 यूनिट का दाम कितना होगा, 5 यूनिट का दाम है नहीं मतलब क्या हुआ 5500 / 2 × 5, जितना पूछा जाता है जितने की वैल्यू उतना आप निकाल लीजिए। अब इसको 2 से भाग करेंगे तो ये 27.5 आया, 2750, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये 0 हुआ, 5 × 25 = 5 और 5 × 37 = 2, 37 + 7 = 3, 5 × 2 = 10 और 3 = 13, 13750 और 13750 का ही हो तो आप इससे ध्यान रख दीजिए। क्या किया आपने, ध्यान रखिए, दोबारा समझ लीजिए, फ्रिज और टीवी की कीमत का अनुपात इतना है, यद फ्रिज की कीमत टीवी से इतना अधिक है तो जितना ये अंतर है यही उसके अनुपात के अंतर के बराबर होगा। तो 5 में से 3 घटाया 2 और 2 यूनिट का दाम कितना है 5500 है, तो 2 यूनिट का दाम 5500 है तो 1 यूनिट का दाम कितना हो जाएगा 5500 / 2, 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो जितने का मान आपको निकालना है वो गुणे में होगा और जितने का मान दिया है वो आपका भाग में होगा, यानी 5500 / 2 × 5, आपने 5 का निकालना है तो 5 का निकल जाएगा। अब 5 फ्रिज की कीमत क्या होगी, तो फ्रिज की कीमत कितना आ जाएगी 13750। ध्यान दीजिए, सफल और असफल छात्रों का अनुपात 6:5 है, 6:1 है, या अनुपात 9:1 हो जाता है अगर 6 और 6 छात्र सफल हो जाते हैं तो कुल छात्र हैं। अब देखिए, यानी यहाँ पे ये देखना है आपको कि जो सफल हैं क्या हैं, सफल हैं तो ये सफल और असफल, यानी सफल छात्र कितने हैं, ये आपके 6 यक्ष हैं, असफल माने फेल वाले कितने हैं, यक्ष हैं। आपने क्या कर लिया, अनुपात को यक्ष में लिख दिया कि जो पास वाले छात्र हैं वो 6 यक्ष हैं और फेल वाले कितने हैं, फेल वाले आपके यक्ष हैं। इन दोनों का जो अनुपात है, ठीक है, यानी क्या किया, अब 6x / x बराबर कितना हो जाता है 9:1। और ये कब होता है, जब अगर 6 और सफल हो जाते हैं तो 6 मतलब इसमें 6 जब सफल हो जाएंगे तो इसमें जुड़ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि जब फेल पास की संख्या बढ़ेगी, यानी ये पास मतलब 6x में जब 6 जुड़ जाएगा तो फेल वाले कम हो जाएंगे, तो फेल वाले में हमने 6 हटा दिया और पास वाले में हमने 6 जोड़ दिया, इनका अनुपात कितना है 9:1 हो जाएगा, तो ये हो जाए आपका 6x / 6 / x - 6 = 9:1, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब जब बराबर हो गया तो इनका आप मान निकाल लीजिए, मान निकालने पे क्या होगा, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2 / x - 6 = 9:1, 3 × 3 = 9। फिर आगे क्या होगा, आगे आप लिखेंगे इसको कि 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, कुछ बचा ही नहीं है, 2x + 2 यानी ये वाला इससे गुणा हो जाएगा तो उतना ही रहेगा बराबर, और ये वाला इससे गुणा होगा तो 3x को गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3x - और 6 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 18। समझ में आ गई इतनी बातें। अब इसके बाद में क्या करेंगे, यानी ये x वाला ज्यादा है ये कम है, तो यानी 3x में से 2x घट जाएगा
सिर्फ एक्स बचेगा, कराने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जब इसके साथ आएगा तो यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जब 18 में दो जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की वैल्यू 20 आ गई। आप कह रहा है कि तो कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र आपके यही तो हैं, यही आपके कुल छात्र हैं। इसकी वैल्यू 6 आई, तो यानी 6 20 छक्का 120 और प्लस फेल वाले कितने हो गए? 20, और ये हो गया 140। ऑप्शन ये सही है। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। क्या कर दिया? यानी जो पास वालों की संख्या 6 अधिक हो गया तो फेल वाले घट जाएंगे, तब इनका रेशियो इतना हो गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कोई डाउट नहीं है, बहुत आसान सवाल था। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे कॉमन ले लिया आपने, इतना आया। अब इसको इससे कर गुणा कर दिया, इतना आया। अब यहां पे जानते हैं 3x में से 2x हटा देंगे, x बचेगा, और 18 में जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अपने 18 दो 20 हो गया, बस की वैल्यू 20 आ गई। अगर x की वैल्यू 20 आ गई तो इसको 6 से गुणा करके 120, और ये 20 हाथ दिया तो 120 और 20 140। ध्यान दीजिएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2, 3 और 4, और इतने का मान इतना है, तो सी का मान ज्ञात करिए। क्या करना है? सी का मान ज्ञात करना है, यानी मींस 2a-3b + 4c, इनकी वैल्यू कितना दिया है? 33 दिया है। अब यहां पे इनकी मान रख दीजिए एबीसी की, तो 2 × 2 − 3 × 3 + 4 × c की वैल्यू कितना दिया है? c की वैल्यू 4, और बराबर कितना हो गया? 33। कितना है? 33 है। तो ये कुल कितने यूनिट हुए? ये यूनिट आपको आ जाएगा, इसकी यूनिट आप देख लेंगे, तो ये यूनिट आप देख लेंगे, तो ये यूनिट कितना है? 2 × 2 = 4 हो गया, −3 = 9 हुआ, और +4 = 16 हो गया, और 16 × 4 = 20, 20 में से 9 गया, कितना बचेगा? 11। 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 33 दिया है। ध्यान रखिएगा, जो इसका रेशियो था 1, 2, 3, 4, इसी में मान रख दिया हमने ये बी सी का, तो यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, तो 2 × 2 = 4 हुआ, 3 × 3 = 9 हुआ, 4 × 4 = 16 हो गया, और 16 और 4 ये हो गया 20, और 20 में से 9 गया, बचा 11, और 11 यूनिट की वैल्यू कितना है? 33। तो आपको क्या करना है? सी का मान, सी की वैल्यू कितनी है? 4, तो 11 यूनिट का मान 33 है, तो 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है, मतलब कि 33/11 × 4, 11 × 11 = 33, 4 = 12, कहीं 12 ऑप्शन होगा तो आपका सही उत्तर हो गया। कुछ भी नहीं करना था, क्या करना था? ये भी सी का आपने मान रख दिया, और 11 यूनिट की वैल्यू 33 है, तो सी का मान, सी का यूनिट कितना है? सी के रेशियो का, यानी 4 का यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4 × 3 = 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ये सवाल अभी तक था, हमने समान बात बता रहे थे, अब आपका सवाल आया है बोर्ड में। क्या आया है? 4 × 5 = 12 इतना बटा इतना बराबर इतना, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। बहुत आसान सवाल है, क्या करना है आपको? तुरंत लिख दीजिए, क्या 4/5 × 12/10 और बराबर यह हो जाएगा एक्स बटा 6 × 9/2। यानी जहां पे आपका रेशियो था वहां गुणा हो जाएगा, और जहां पे समानुपात था वो बराबर, समान सब धनानुपात, जो दोनों अनुपात बराबर हो, यानी इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, बस इतने देखना है आपको। अब आप अगर कुछ करता है तो काट दीजिए, तो छोड़ दीजिए इसको। यानी मतलब क्या हुआ? इसके जो बगल वाले हैं, क्या 4 × 12/5 × 10 बराबर यह हो जाएगा 9x/6 × 2। यानी मतलब क्या करेंगे? इसको
यानी x बराबर सीधा लिख दीजिए क्या, 4 × 12 × 6 × 2 बटा बगल वाले 5 × 10 × 9, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए कुछ आ जाए। यानी तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कट रहा है 3 × 3 = 6 और 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12 और कट रहा है 2 × 2 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10। तो ये आपका इतना बड़ा इतना, अब ये जो होगा आपका इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये आपका जो माध्य का अनुपात है, इसी तरीका ये बाह्य के अनुपात के क्या होता है बराबर। तो माध्य का अनुपात कितना आपका दिया है, माध्य का अनुपात दिया है 12 × 10 × x/6 = ये आपका बाय कितना दिया है 4/5 अनुपाते ये 9/2। तो यहां से ये आपका हो जाएगा 12/10 × x/6 = 4/5 × 9/2। अब यहां पे x बराबर क्या होगा, क्या निकालना है आपको, x बराबर आपको निकालना है तो यहां पे जो इसके बगल है यानी ये सब गिनतियां आप एक साथ जो रहेंगी, ये गिनती ये गिनती ये गिनती ये और 1, 2, 3, 4 यानी x बराबर होगा ये 10 × 6 × 4 × 9 बटा ये 12 x के साथ वाले, तो 12 × 5 × 2 तो 4 × 4 = 12, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 2, 2 से 2 कट गया, 9 × 9 = 18 हो गया। और 18 में ऑप्शन आपका डी सही है, बहुत आसान था, कुछ भी नहीं था। क्या करना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है कि मध्य का अनुपात यानी मध्य वाला अनुपात आपका ये है और बाह्य का अनुपात आपका ये है। तो मध्य वाली गिनती आप इतना बराबर इसके हो जाएगा, फिर आप इसके जितने साथ में तीनों हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एक साथ हो जाएंगे और ये साथ एक साथ हो जाएंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 10 × 6 × 4 × 9 ये पूरी एक साथ चारों लिख देंगे बटा ये तीन को लिख देंगे, इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। ध्यान दीजिए अगला सवाल, लिखा हुआ है 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी। बहुत आसान सवाल है ये, आपका 2018 में आया है। क्या कि आपने 5:2 इनको आप इतना है कितना 21 चॉकलेट का, तो छोटा हिस्सा, तो छोटा हिस्सा मतलब दो, तो क्या करेंगे, छोटा हिस्सा आपको निकालना है, तो छोटा हिस्सा बटा अनुपातों का जोड़ गुणे कुल चॉकलेट। क्या करना है, छोटा हिस्सा मतलब 2 बटा अनुपातों का जोड़ 5, 2 कितना हो जाएगा 7 और गुणे कुल चॉकलेट,
यानी 2/7 × 21 अनुपातों का जोड़, अनुपातों का जोड़ यहां लिखिए, अनुपातों का जोड़ बराबर 5 × 2 = 7। और तो छोटा अनुपात मतलब 2/7 × 21, 7 × 7 सात्रिक 21, 3 × 19 6। कितना आसान सवाल था। कभी कभी क्या होता है कि आसान सवाल में हम लोग गलती करते हैं, बहुत आसान था। अगला देखिए, आसान सवालों पे टाइम बचाना है आपको और कठिन सवालों पे देना है। यहां पे कह रहा है श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और आय का अनुपात 3:8 था। जिस महीने परिवार का आय 27,500 थी उस महीने में बचत होगी। बहुत आसान सवाल को क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3:8। और इस 3:8 को 27,000 को 3:8 में बांट दीजिए। आप कह रहा है बचत और आय, पहला क्या दिया है बचत, तो बचत का अनुपात 3 है और व्यय, व्यय का अनुपात 8 है। पूछ क्या रहा है आपका, 3 का हिस्सा कितना होगा, यानी 3 का आपको पूछ रहा है कि बचत आपका क्या है, बचत आपका दूसरा है, पहला है। तो बचत पूछ रहा है, तो बचत का अनुपात बटा अनुपातों का जोड़ 8, 3, 11 और गुणे कुल कमाई कितनी है 27,500 है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका उत्तर आ गया 11 × 11, 11 × 2 = 22, 5 × 11 = 55, 00 हो जाएगा और 25 × 3 = 75 यानी 750, 7,500, 7,500, 11 × 22 ये आपका 25 × 3 = 7,500 यानी 7,500 आपका ऑप्शन कहीं दिया होगा, वही आपका उत्तर है, कुछ भी नहीं था। कितना आसान सवाल आया, अनुपात यानी बचत का अनुपात बटे अनुपातों का जोड़ गुणे इतना। ध्यान दीजिए अगला सवाल, 84 को 5:9 के अनुपात विभाजित किया जाए तो दोनों भागों में कौन सा बड़ा भाग होगा, दोनों भागों में से कौन सा भाग बड़ा होगा। 84 को 5:9 में बांटना है तो देख लीजिए, यानी 5 का मान कितना, 5/5 यानी 5 का अनुपात बटे अनुपातों का जोड़ 9 और 5 = 14 और गुणा कितना है 84 और 14 × 6 होता है 84, 14 × 14, 14 × 6 = 84 और 5 × 6 = 30 यानी छोटा अनुपात 30 आया है तो बड़ा अनुपात कितना हो जाएगा, यानी 84 में से 30 घटा देंगे तो ये आपका 54 आएगा और 54 ऑप्शन ये सही है, कुछ भी नहीं है, बड़ा पूछ रहा है। अब चाहो तो बड़ा निकाल लेते हैं, यानी यहां भी आप ये भी कर सकते थे कि 9/14 और गुणे 84 और 14 × 14, 14 × 6 = 84, 9 × 6 = 54 उत्तर हो गया आपका, कुछ भी नहीं है। क्या किया आपने, अनुपातों का जोड़, बड़ा अनुपात बटा अनुपातों का जोड़ गुणे 84, चाहे आप इससे निकाल सकते हैं चाहे आप इससे निकालेंगे, मान दोनों सेम आएगा, एक का 30 रहेगा दूसरा का 54 रहेगा, बड़े पूछ रहा है आप 54 लिख दीजिए तुरंत। अपना टाइमिंग आप आसान सवालों में जल्दी करिए और कठिन सवालों में आप दे दीजिए उस पर, इतना और इतना के अनुपात है तो यक्ष समान, कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए सवाल को, आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि यक्ष रेशियो 16 समानुपात 63:36 है तो यक्ष की वैल्यू ज्ञात करिए। ऐसे सवालों को आप चुटकियों में हल करिए अनबोरिंग आदमी के साथ, मैं शेष राम साहू सर, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मैथ को चुटकियों में हल करिए। क्या करना है, इतना बटा इतना बस, यानी मध्य का अनुपात और बटे यानी जो बीच वाली गिनतियां हैं, इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना होगा। तो इतना गुणे इतना मतलब क्या लिखे, 16 और गुणे 63 और बटा लिख देंगे क्या 36। इसी को सॉल्व कर लीजिए उत्तर आपका आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, क्या हुआ बस गुणा करना है, क्या हो जाएगा 16, अब 3 से काटिए तो या 4 से काट दीजिए, 4 × 16 और 4 9 = 36, 9 × 9 = 63
और 7×28 कहीं ऑप्शन होगा, सी में शायद आ रहा है, कुछ नहीं था उत्तर होगा। देखते ही सवाल लग जाना चाहिए, क्या करो इसका इसका गुणा बटा इतना, काट दो तुरंत, यही आप लिख सकते थे क्या 36, और काटना पीटना यहीं शुरू कर दीजिए, यहीं पे तुरंत आप इसके नीचे 36 लिखिए और यहीं पे काट पीट कर दिए, खत्म होगा। ये आपका चाहे यहां लिख के काटा तब भी आपका 4×4 = 36, 4×4 = 16, 9×9 = 63, 7×28 आपका उत्तर होगा, तुरंत मिनटों में लगाइए सवालों को, कुछ भी नहीं है इसमें, ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, सवाल आएगा बहुत आसान। कठिन सवाल भी समझा दिया मैंने आपको, अनुपात बता दिया, समानुपात बता दिया, ध्यान दीजिए सवाल देखिए, चुटकी में यह भी आया है 18 में। क्या होता है कि कभी कभी बड़े बड़े सवालों को करने के चक्कर में हम छोटे सवालों को मिस कर जाते हैं। सवाल आपका आसान रहेगा, टाइमिंग आपकी है, ध्यान दीजिए, 154 मीटर लंबी रस्सी इतने के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो छोटी रस्सी की लंबाई कुछ भी नहीं, रही सवाल क्या छोटा अनुपात कितना 5, बटा अनुपातों का जोड़ कितना लिख दिया 9×5 = 14, और गुणे लिख दीजिए 154, इसको सार कर लीजिए उत्तर आ जाएगा। अब सार करना, गुणा तो आपको आना चाहिए 21 तक, कुछ नहीं, क्या हो गया 14 × 14 एक बढ़ेगा 14, 11:55 हमें लगता है कि मुश्किल से सिकरण मिला रहा है, सिकरण में तो लग रहा है, इसमें क्या करना, कुछ नहीं, क्या करेंगे छोटा अनुपात, ध्यान दीजिएगा छोटा अनुपात मतलब कितना, ये 5 वाला 5/5 कितना है आपका 14 है, गुणे 154, 14×14 = 14, 1/14 हो जाएगा, और 11:55 तुरंत आ गया, कुछ भी नहीं। अनुपात के सवाल चुटकियों में हल करिए, बिल्कुल हमारा ये 7वां लेक्चर है, और हमारे सभी सवालों को अगर आप ध्यान दीजिए तो हम बहुत ज्यादा आपको अनुपात का कांसेप्ट समझ लीजिए, दो चीजों में तुलना, चाहे उसके पैसे की बात हो, चाहे क्लास में चले जाइए, चाहे मकान की ऊंचाई चले जाइए, जहां जाइए हर जगह तुलना है, वो इतना बड़ा घर बना लिया मेरा इतना छोटा है, तुलना हो गया, तेरी हाइट इतना है मेरी हाइट इतनी है, तेरी हाथ की लंबाई इतनी है मेरे हाथ की लंबाई इतनी है, ये भी तुलना हो गया। आज की दौर में तुलना ही तो है, पड़ोसी से तुलना, अपने दोस्तों से तुलना, कंपैरिजन का दौर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा मिनटों में लगाइए सवाल को। इतना इतना है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कर लीजिए, बहुत आसान सवाल है, मद अनुपात बटा बाय अनुपात, क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे 4/y, और यह बराबर होगा कितना, एक्स बटा पांच, क्या लिख देंगे आप, इसको इस तरह ना हिसाब करके आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या कि मध्य का अनुपात 4×y बराबर क्या हो जाएगा, x/5, बस, यानी मध्य का अनुपात बटा बाह्य का अनुपात, और मध्य का अनुपात बटा बाह्य का अनुपात, यानी जो आपका यक्ष है ये वाई है, ये नीचे ले आइए तो यहां पे हो जाएगा 4/5 आपका नीचे चलाएगा, बराबर ये हो जाएगा x/y, क्या आएगा x/y। अब 4/ यानी यक्ष ये आपका नीचे चला गया, यानी ये आपका ये वाई आप इसके नीचे चला जाएगा, और ये आपका 5 इसके नीचे, इन्होंने इसके नीचे एक भेज दिया, इन्होंने इसके नीचे भेज दिया, जब यहाँ आएगा तो इन्होंने 5 को यहाँ भेज दिया, और इसको अल्फाबेट वालों को एक साथ कर लिया, उसको एक साथ कर लीजिए, इस तरह से क्या हो जाएगा 4, और शायद यही उत्तर है, कुछ नहीं बस हो तो उत्तर हो गया, देखते ही उत्तर आ गया, हम तो सवाल लगाने चक्कर में पड़े थे, उत्तर देखते ही आ गया, कुछ नहीं यही उत्तर हो गया बस, कुछ नहीं 4/2। ये ध्यान रखिएगा कि वाई जो है आपका कि जो बगल होगा वो नीचे आएगा, वाई का अनुपात नीचे आएगा, तो 4×y = x/5 तो नहीं हो जाएगा 4/5, यानी ये वाई आपका इसके नीचे आ गया, यक्ष अपनी जगह पे है और ये वाला आपका नीचे आ गया, कहां पे हर बनना है कहां अंश बनना है इसको समझ लीजिए, बस तुरंत उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से
तो इस तरह से आज का मेरा ये सातवां लेक्चर था अनबोलिंग अकेडमी के साथ में शेषराम साहू सर। टोटल समानुपात अनुपात में जितनी भी कन्फ्यूजन था मैंने पूरा दूर करने की कोशिश की। आप इस चैनल अनबोलिंग अकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और अनुपात समानुपात को चुटकियों में हल किया जा सके। धन्यवाद। मैं शेषराम साहू अनबोलिंग अकेडमी के साथ।